गांव जाटोली में मौजूद बुजुर्गों से बातचीत करेंगे अब की बार विधानसभा में, ये किसकी सरकार देखना चाहेंगे? नमस्कार बाबू जी। कांग्रेस की देखना। कांग्रेस की? कांग्रेस में किसका चेहरा भाई? सगड़ा चेहरा निराला से भाई। तो उनमें कौन व्यक्ति ऐसा जो ऐसा? रामवीर। हाँ जी, रामवीर विधायक चेहरा ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल। खास वजह बाबू जी? खास है, पुराना आदमी है, गांव का आदमी है जी, नजदीक का व्यक्ति। हाँ जी। ऐसे क्या विकास कार्य रामवीर जी ने करवाए थे जो आज तक आपने? पहले खूब अच्छा काम करवाया, रोड बनवाया, जो काम करवाया जी। आप किसको सपोर्ट? आएगी सपोर्ट से भाई, रामवीर की और रामवीर की। हाँ, कांग्रेस से। अगर रामवीर को टिकट नहीं मिलती है तो सुधीर चौधरी रहो फिर। कांग्रेस को ही है। हाँ, आप क्या कहेंगे बाबू जी? क्या कहेंगे बाबू जी? क्या जी? विधायक चेहरा किसका देखना चाहेंगे पटौदी में अब की बार? कौन कौन है तुम्हें? नहीं, भाजपा सरकार का नेतृत्व देखना चाहेंगे या कांग्रेस का देखना चाहेंगे? नाम तो भारत वो भाजपा का देखना चाहेंगे, बीजेपी का। बीजेपी में सत्यप्रकाश जरावता को दोबारा टिकट देती है पार्टी, तो इनको दोबारा विधायक देखना चाहेंगे आप या कोई और चेहरा? और चेहरा ले आओ कोई, ये नहीं। हाँ, और ले आओ सत्यप्रकाश जरावता। नहीं ना, ये तो कभी हमने देखे कौन? और गाँव में नहीं आया कभी? कदे भी ना देखे हमने, कोई मतलब ही ना पड़े। आप किसका चेहरा देखना चाहेंगे? कांग्रेस का। कांग्रेस का? हाँ जी। कांग्रेस में किसका चेहरा? सुधीर चौधरी रहे, प्रदीप जाटोली रहे जी। हाँ, चाहे कोई भी हो कांग्रेस से? कांग्रेस ही। कोई खास वजह से? हम तो कांग्रेसी, कट्टर कांग्रेसी सर, कांग्रेसी रहेंगे भाई। हाँ, आजीवन कांग्रेसी रहोगे, विकास हो या ना हो? हो या ना हो, कांग्रेसी। दैनिक कांग्रेस की वोट? कांग्रेस की। सर किसका चेहरा देखना चाहेंगे विधानसभा में? भाई सुधीर चौधरी रहो, मारे प्रदीप जाटोली रहो जी। हम तो प्रदीप जाटोली गया ना कांग्रेस पार्टी तो जी। अगर प्रदीप जी को टिकट नहीं मिलती है तो? वो निर्दलीय आओगे जब भी उसके साथ ही रहेंगे। मतलब सरकार कांग्रेस की देखना चाहते हैं? सरकार कांग्रेस, बीजेपी की नहीं। कोई कार्य करवाए नहीं बीजेपी सरकार का 10 साल का कार्यकाल रहा? भाई मार तो रुके करियो से कुछ भी नहीं। पटौदी विधानसभा के अंदर किसको विधायक चेहरा देखना चाहेंगे भाई? जब टिकट, ये बात दे दो जब टिकट मिल जाए, जब की बात नहीं। पार्टी कौन सी सर, बीजेपी की या कांग्रेस की? कांग्रेस। कांग्रेस के साथ हो? बिल्कुल। टिकट चाहे किसी को भी मिले? किसी को भी, लेकिन कांग्रेस का मतलब? कुत्ते को मिले उसको भी देंगे वोट। कोई खास वजह सर? वजह? अरे बेरोजगारी, महंगाई जी है, देश बर्बाद कर दिया। सरकार ने 10 साल के कार्यकाल के अंदर कोई विकास नहीं करवाया जाटोली में? किया है जी। 10 तो चीता ले आयो जी, सेना को बुरा हाल कर दियो, उनको ब्याह भी ना होनो जी। और जो शिक्षित लोग है ना जी, बच्चे पढ़े लिखे जी, उनकी अनदेखी करके अंदर ही अंदर नौकरी लगा देते हैं। घपले हो रहे हैं सरकार, घपले मोटे, कांग्रेस से कई गुना ज्यादा। तो बीजेपी का नेतृत्व अच्छा नहीं है, मोदी बिल्कुल घटिया से घटिया। मोदी इज लायर इन द वर्ल्ड, ग्रेट लायर, ग्रेट लायर, ग्रेट लायर इन द वर्ल्ड। आप क्या कहेंगे बाबूजी? यही है जो कह रहे हो वही से, वही है। हाँ, आप भी कांग्रेस का समर्थन करेंगे? हाँ, कांग्रेस। भाजपा के विधायक नहीं आते हैं? ना, हम कांग्रेस का करांगा। हाँ, सरकार ने 10 साल में जाटोली गांव के लिए कितना विकास कार्य किया है, आगे आने वाले चुनाव में यही सरकार देखना चाहेंगे या सरकार बदलना चाहेंगे, इन सभी विषयों पर जाटोली के लोगों से बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। ऐसा है जी, सरकार के काम में कोई कमी नहीं है, सरकार ने बढ़िया काम किए हैं, सारे सामूहिक काम सारे बढ़िया हुए हैं। हमारे यहाँ जाटोली के अंदर कभी भी सरकारी स्कूल नहीं था बॉयज जी, जो सरकार ने हमारे MLA सत्यप्रकाश रावता ने अब बनवाया एक जी, जो कि प्रहलाद राय प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल था प्राइमरी, उसको बड़ा बनवाया, शहीद स्मारक बनवाया, कई काम उन्होंने किए हैं। इंडिविजुअल काम किसी के हो ना हो, सामूहिक काम बहुत हुए हैं, सबके हो रहे हैं, सबके हो रहे हैं जी। रोड पानी बिजली समस्याएं सभी ठीक है सर? देखो जी, रोड पानी बिजली की बात यह है, ये समस्याएं आसान नहीं है जो आसानी से ठीक हो जाए। कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पानी नहीं पहुँचता है जी। ये हमारे रवि कुमार हैं, सुरेंद्र कुमार हैं, काफ़ी दिन से इस चीज़ में प्रयासरत हैं। इन्होंने काफ़ी प्रयास करके क्या कही, इसमें हमारी कमी है, सरकार की कमी नहीं है। कुछ नाले ऐसे हैं जो चलते ही रहते हैं, बंद ही नहीं करते हैं, जो ऊंचाई के पर हैं उनके पास पानी कैसे पहुंचेगा? तो सरकार दोबारा से भाजपा देखना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ तो जी सीधी सी बात है, हम तो दोबारा भाजपा सरकार देखें।
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार जो है ना बहुत अच्छा काम कर रही है जी, और हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ही आए हरियाणा के अंदर, क्योंकि हमारे जो लोकल काम जो थे ये काफ़ी उन्होंने किया है, हम जिस काम के लिए लगे हुए थे बीजेपी सरकार ने हमारे वो काम पूरे कर दिए। दक्षिण हरियाणा की दशा और दिशा में बीजेपी सरकार और कांग्रेस के दायरे में कुछ अंतर नज़र आ रहा है? नहीं, अंतर तो नज़र आता है थोड़े बहुत के लिए, लेकिन वो अपनी सोच है, लेकिन हम तो ये कहते हैं जी बीजेपी सरकार आए जा रहा है। एक नहीं काफ़ी है, अगर फैमिली आईडी की लेके बात चले, आप कुछ समय पहले बातचीत कर रहे थे, फैमिली आईडी सरकार ने ठीक कार्य किया है, लेकिन जिन परिवारों में कोई संभालने वाला व्यक्ति नहीं है उन परिवारों की फैमिली आईडी कौन ठीक करवाए सर? देखिए, समाज के हर व्यक्ति का ये दायित्व है कि जो जागरूक नागरिक है या समाज सेवी है, जिनके जिन लोगों के खुद के कोई परिवार में कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि जो फैमिली आईडी को सुधरवा सके, आज सरकार ने इतनी अच्छी सुविधा कर रखी है, CHC सेंटर जाइए आप, चाहे आपकी कोई समस्या हो उसमें फैमिली आईडी से संबंधित कोई भी समस्या है, आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए और आप उसको ठीक करवाइए। अभी MLA स्कूल के विषय में जी बहुत बड़ा मुद्दा उठा था सर जाटोली के अंदर जी, तो क्या आप मानते हैं आपकी सरकार काम कर रही है? देखिए बिल्कुल काम कर, स्कूल का वजूद ही खत्म करने को सर। देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो स्कूल वाली मुहिम है ये खुद समाज के जो वरिष्ठ जागरूक लोग हैं उन्होंने उठाई हुई है। वर्ष 1917 से ये हमारा स्कूल इसका कार्यकाल मतलब ये चल रहा है, ठीक है जी, और 1917 से लेकर आज तक भी ये चल रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये अब बंद होने के कगार पे आ गया। हम इसके बारे में उपमंडल अधिकारी से भी मिले हैं और DC साहब से, DC साहब ने पूरा आश्वासन दिया है यदि ये स्कूल बंद होने की कगार पे है तो उन्होंने इसके बारे में एक CTM मैडम को लिख दिया है लेटर, और वो आके इसका निरीक्षण करेंगे और जैसा उनको उचित लगेगा वो उसको अपने आप। सर जितना बढ़ावा प्राइवेट स्कूलों को प्राइवेटिज्म के लिए सरकार दे रही है, क्या उस अच्छी लेवल के ऊपर सरकार अपना कार्य सरकारी स्कूल के लेकर? देखिए मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि आज हमारा एक छोटा जो पहला स्कूल था पहलाद राय, उसमें आज हमारे बच्चे बैठ रहे हैं। हमने सरकार से अनुरोध किया है कि जो उसके बच्चे हैं और बिल्डिंग उसमें नहीं है, और ये जो हमारा MLA स्कूल है उसमें बहुत बढ़िया सुंदर बिल्डिंग है, वो उसमें वहाँ स्थापित किया जाए जी। सर कितने समय के अंदर, क्योंकि आपका तो सरकार में भी साथ जाए, कितने समय में उम्मीद लगा? आप ये देखना अगले महीना 15 दिन के अंदर ही इसके बारे में कोई शुभ सूचना आएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाई सरकार इसके बारे में जरूर कोई ना कोई काम करेगी।